अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कहता है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। देखिए, ये हम त्रिभुज मान लेते हैं पी क्यू आर है, इसकी भुजाएं पी आर और क्यू आर पर दो बिंदु एस और टी ये स्थित हैं। तो ये कहता है कि बिंदु सॉरी कोण पी जो है वो कोण आर टी एस के बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है। अब दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी ये जो बड़ी त्रिभुज है ये आर टी एस के समरूप है। अब हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है कि बड़ी त्रिभुज इस छोटी त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है तो आप यहीं से लिख दें कि त्रिभुज पी क्यू आर की इस पे ये इस तरह से स्थित है, बस ये इतना इतना उठा के यहाँ लिख देना आपने। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना वो यहाँ से ये लिख दे भी, इसके समरूप हमें सिद्ध करना है। अब देखिए, त्रिभुज आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में कोण पी जो है कोण आर टी एस के बराबर है, क्योंकि ये दिया है, और कोण आर जो है वो कोण आर के बराबर है क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, इन दोनों का कॉमन है, ये साझा कोण है। अब अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप होगी त्रिभुज आर टी एस के। हेंस प्रूफ्ड। आगे प्रश्नावली 6.3 का छठा क्वेश्चन, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, तो दर्शाइए कि ए डी ई समरूप है ए बी सी के। देखिए क्या दिया हुआ है कि ए बी ई यानी ये वाले जो त्रिभुज हैं ये ए सी डी के इस त्रिभुज के सर्वांगसम दी हुई है, और सिद्ध हमें करना है कि ये ए डी ई यानी ये छोटी जो त्रिभुज है ये फुल त्रिभुज के ए बी सी के समरूप है, ये चीज सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहले दो स्टेप दिया क्या है और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ये तो आप यहाँ से देख के लिख लें कि ये इसके समरूप दिया है और ये सिद्ध करना है। चलो मैं लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, और सिद्ध करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। अब इसका प्रूफ देखिए, अब देखिए क्योंकि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसका मतलब ए बी किसके बराबर है, ए सी के बराबर है, ए बी बराबर ए सी और ए डी बराबर ए ई। क्यों,
क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। सी पी सी टी लिख दें इसको शॉर्टकट में, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, दोनों का रीजन सेम, सी पी सी टी, अंडरस्टूड है ये कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा ही बराबर होते हैं। अब देखिए कि यहाँ अगर इनको डिवाइड करें तो ए बी बाई ए डी बराबर ए सी बाई ए ई। अब त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई तथा ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए कोण ए के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि उभयनिष्ठ है, कॉमन है दोनों में, तथा इसको एक मान लो, तथा ए बी बाई ए डी बराबर ए सी बाई ए ई, ये समीकरण एक से आ गया। अब ये दोनों कंडीशन क्या शो करती हैं? ये शो करती है कि भुजा कोण भुजा, इन भुजाओं का अनुपात और इन भुजाओं का अनुपात बराबर है और ये बीच का कोण भी इक्वल है, तो इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। क्यों? क्योंकि भुजा कोण भुजनीय। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, आकृति में त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष लंब ए डी और सी ई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि फर्स्ट है त्रिभुज ए ई पी समरूप है सी डी पी के। देखिए यहाँ पर हमें एक त्रिभुज दे रखी है ए बी सी, इसके दो शीर्ष लंब है सी ई और ए डी, ये दोनों आपस में बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब यहाँ पर कई त्रिभुजें बन गई हैं, इनमें से हमें एक एक करके जो है कुछ एक पेयर दे रखे हैं और इन पेयर्स को समरूप सिद्ध करना है। तो जो सबसे पहला हमें दिया हुआ है वह है कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, ये सिद्ध करना है। ए ई पी यानी ये वाला और सी डी पी, सी डी पी ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लिखें त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज सी डी पी में कोण ई या पी ई ए, कोण पी ई ए बराबर कोण सी डी पी बराबर 90 डिग्री। अब ये वाला कोण इसके बराबर है क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी डी, क्यों है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखिए जब दो कोण इक्वल हो गए तीसरा तो ऑटोमेटिक इक्वल होएगा ही, इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से, कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा? त्रिभुज ए ई पी समरूप होगी त्रिभुज सी डी पी के, हेंस प्रूफ। पहला पार्ट हमने सिद्ध कर दिया है। अब दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे पार्ट में ए बी डी, ए बी डी यानी ये वाले त्रिभुज प्लस समरूप है त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज सी बी ई, सी बी ई ये वाले त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज दोनों,
तथा त्रिभुज सी बी ई में। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए कि कोण बी तो कॉमन है, कोण बी बराबर कोण बी, और यहाँ पर ये जो कोण डी है ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री है, तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री, इसका दे देना ओबेनिस्ट। अब देखिए दो कोण बराबर है, तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप होगी त्रिभुज सी बी ए के कोण कोण समरूपता नियम से। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए कि त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज ए पी ई में त्रिभुज ए ई पी त्रिभुज ए ई पी तथा त्रिभुज ए डी बी में, इसमें देखिए ये कोण ए तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कोण ए को पूरा लिख देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगी, पी ए ई कोण पी ए ई बराबर कोण डी ए बी उभयनिष्ठ कोण है। और दूसरा जो ये कोण है और ये कोण है दोनों 90 डिग्री के हैं, कोण ए ई पी और कोण ए डी बी दोनों कितने दे रखे हैं 90 डिग्री है। जब दो कोण इक्वल है तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज, ये ए डी बी लिखना भूल गया था, तो ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या होगी समरूप होगी, इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से। कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए ई पी समरूप होगी त्रिभुज ए डी बी के। अब इसका लास्ट फोर्थ पार्ट देखिए त्रिभुज पी डी सी तथा त्रिभुज बी ई सी त्रिभुज बी ई सी नहीं। अब देखिए एक तो ये सी कोण जो है ये दोनों में कॉमन है, ये कोण पी सी डी इक्वल टू कोण ई सी बी, क्यों है ये इक्वल उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। दूसरा देखिए इधर से ये सी डी पी 90 है, कोण सी डी पी, और इधर से कोण सी ई बी ये 90 डिग्री है, जब दो कोण इक्वल है तो इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से
क्या होगा? ये दोनों त्रिभुजें समरूप हो जाएगी। त्रिभुज पी डी सी समरूप है त्रिभुज बी ई सी की। तो इस तरह से हम चारों पार्ट जो है आसानी से प्रूव कर सकते हैं। आगे 8th क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित ई एक बिंदु है तथा बी ई भुजा सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज सी एफ बी के समरूप है। तो पहले तो हमें इसका चित्र ड्रा करना होगा कि पहले एक ए बी सी डी क्या कर लेते हैं, समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। बढ़ाई गई भुजा ए डी पर ई स्थित है। अब ए डी को बढ़ा दीजिए। इस पर कोई बिंदु ई स्थित है। बी ई सी डी को अपर प्रतिच्छेद करती है। बी और ई को मिलाइए। अब ये कहता है कि बी ई सी डी को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। अब सिद्ध क्या करना है कि ए बी ई यानी ये वाली जो त्रिभुज है ये सी एफ बी इस त्रिभुज के समरूप है। तो यहाँ से देखिए कि दिया क्या है, वो तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दिया है, हम ये लिखेंगे और सिद्ध करना है हमें ये लिखेंगे। अब मैं सीधा उत्पत्ति लिख रहा हूँ इसकी, बाकी आप लिख लेंगे। उत्पत्ति में देखिए कि ए सी के बराबर है, यानी हमारा ध्यान कहाँ रहना चाहिए, एक तो इस ट्राइंगल पर और एक इस ट्राइंगल पर। कोण ए कोण सी के बराबर है, क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कारण आपने जरूर लिखना है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। और दूसरा देखिए कि अब ये वाला कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये इसकी तिर्यक रेखा, तो ये कोण से हो गए एकांतर अंतः कोण हो गए। कोण सी बी ई बराबर कोण बी ई ए, क्यों? क्योंकि एकांतर अंतः कोण। अब देखिए, एक तो ये कोण इक्वल है, दूसरा ये कोण भी इक्वल, दो कोण इक्वल हो गए, तो तीसरा जो कोण है ये वाला कोण और ये वाला कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। तो दो में ही काम चल जाता है अपना कि कोण कोण समरूपता नियम से। त्रिभुज ए बी ई समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। अब आगे प्रश्नावली 6.3 का 9वां क्वेश्चन। आकृति में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है। ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। कोण बी और कोण एम दोनों ही क्या है, समकोण है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी दोनों समरूप है तथा सी ए बाई पी ए इज इक्वल टू बी सी बाई एम पी।
ये दो चीज हमें सिद्ध करनी है। तो पहले यहां से लेके यहां तक ये पार्ट हो गया दिया है, और सिद्ध करना है मैं ये लिखते हैं। उसके बाद आपने लिखना है उत्पत्ति, इसका प्रूफ लिखना है। प्रूफ में देखिए कि कोण ए बराबर सॉरी पहले त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी में, कि कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ कोण है। दूसरा कोण एम बराबर कोण बी है, या कोण बी बराबर कोण एम लिख दीजिए, कोण बी बराबर कोण एम है। तो इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। कौन से नियम के अनुसार? कोण कोण समरूपता नियम। अब देखिए कि अगर ये दोनों समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत पार्ट हमेशा क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। तो यहाँ से ए सी बाई ए पी, ए सी बाई ए पी किसके बराबर होगा? बी सी बाई एम पी। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो यहां से देखिए कि ए सी कह दो चाहे सी ए कह दो, सी ए बाई पी ए बराबर बी सी बाई एम पी, हेंस रूट। अब आगे प्रश्नावली 6.3 का 10वां क्वेश्चन। सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एच के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु डी और एच पर क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ई एफ जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी दोनों समरूप है तो दर्शाइए कि फर्स्ट सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी। इसी तरह सेकंड और थर्ड पार्ट में भी दो दो त्रिभुज जो है समरूप हमें सिद्ध करनी है। पहले देखिए यहाँ पर ए बी सी और एफ ई जी दो त्रिभुज दे रखे, ए बी सी और एफ ई जी हमें ड्रा करनी है अपनी तरफ से। अभी ये कहता है कि कोण ए सी बी, कोण ए सी बी यानी इस कोण की बात करता है, और कोण ई जी एफ यानी इस कोण की बात करता है, इसके समद्विभाजक इन कोणों के समद्विभाजक बिंदु डी और एच पर क्रमशः ए बी सी त्रिभुज और त्रिभुज ई एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित है। कहता है कि ये जो इनके समद्विभाजक है, इसका समद्विभाजक ए बी पर, इसका समद्विभाजक एफ ई पर स्थित है। देखिए इसका समद्विभाजक हम यहाँ कर लेते हैं और इसका समद्विभाजक यहाँ कर लेते हैं, और ये डी पर स्थित है और ये एच पर है। तो ये हमारा चित्र बन गया है। अब ये कहता है कि सी डी बाई जी एच, सी डी बाई जी एच बराबर ए सी बाई एफ जी, ए सी बाई एफ जी, ये चीज सिद्ध करनी है। यानी
ये भुजाएं जो वो समानुपाती सिद्ध करनी, इसका मतलब ये वाले त्रिभुज ए डी सी और एफ एच जी, अगर ये दोनों त्रिभुज हम समरूप सिद्ध करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये भुजाएं समानुपाती ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो सबसे पहले जैसे हमें लिखना होता है कि दिया क्या है, दिया है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक सारा लिखना है, और सिद्ध करना है उसमें पॉइंट वाइज ये हो गए लिखना है, कोई चेंज नहीं करना आपने। अब उत्पत्ति में फर्स्ट पार्ट, यहाँ कोण ए कोण एफ के बराबर है, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। अब इसी तरह से कोण सी पूरा कोण जी के बराबर होगा, उसका कारण भी आपने सेम लिखना है। यहाँ पर अगर ये पूरे पूरे कोण इक्वल है तो इनके आधे भी इक्वल होंगे, 1/2 कोण सी बराबर 1/2 कोण जी। अगर आधे आधे इक्वल है तो इसका मतलब ये समद्विभाजक है तो आधा आधा करेगा, इसका मतलब कोण ए सी डी बराबर कोण एफ जी एच। तो अब देखिए कि अगर दो कोण इक्वल हो गए, एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, इसका मतलब कोण कोण समरूपता नियम से। कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज ए डी सी समरूप है त्रिभुज एफ एच जी के, इसलिए सी डी बाई जी एच बराबर होगा ए सी बाई एफ जी के, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है। अब देखिए दूसरा पार्ट सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी सी बी और त्रिभुज एच जी ई ये दोनों समरूप सिद्ध करने हैं। तो हम लिखें दिस तथा दिस में, इन दोनों त्रिभुजों में डी सी बी तथा एच जी ई, इन दोनों में देखिए बी ई के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई, क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। अगर ये समरूप है तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण। दूसरा कोण ए सी बी बराबर कोण एफ जी ई, ये दोनों इक्वल है, कारण इसका सेम रहेगा क्योंकि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। अगर ये इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल रहेगा, अगर हाफ इक्वल है तो इसका मतलब डी सी बी कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई,
क्योंकि समद विभाजक है, समद विभाजक है तो इसका जितना इधर इतना इधर, जितना इधर इतना ही इधर, तो ये आधा आधा हो गया। तो आप देखो, मैं यहाँ तो लिख दिया डी सी बी और यहाँ लिख दूंगा एच जी ई। अब देखिए ये वाला कोण इक्वल है, ये वाला कोण इक्वल है, तो कोण कोण समरूपता नियम के अनुसार इसलिए कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। अब सेकंड पार्ट की तरह से बिल्कुल सेम थर्ड पार्ट है, इसमें डी सी ए, डी सी ए समरूप है एच जी एफ के, एच जी एफ के। पहले हमने इधर राइट राइट वाले की थी, अब लेफ्ट लेफ्ट वाले समरूप सिद्ध करनी है। तो वही तरीका लगाएंगे, त्रिभुज ए एंड डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ में कोण ए बराबर कोण एफ, ये दोनों कोण इक्वल क्यों है, क्योंकि ये बड़ी वाली त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। फिर वही कोण ए सी बी किसके बराबर है, एफ जी ई के, कारण वही सेम, जब ये इक्वल है इनका बी इक्वल होगा, एक बटे दो ए सी बी बराबर एक बटे दो कोण एफ जी ई। अगर हाफ इक्वल है तो ये वाला हाफ किसके बराबर, ए सी डी कोण ए सी डी, और ये वाला हाफ एफ जी एच कोण एफ जी एच के बराबर। ये कोण इक्वल, ये कोण इक्वल, तो कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से क्या होगा कि त्रिभुज डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ। अब हिंदी में लिख सकते हैं आप।